वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो आज है डे थ्री, आज भी हम करेंगे ट्रैवलिंग। जहाँ ले जाएगा कार वहाँ वहीं चल लेंगे हम। वाह 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 वाह। थोड़ी देर में बताती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। अभी होंगे रेडी, नाश्ता आ गया है। नाश्ते में हमने ऑर्डर किया था आलू का परांठा एंड पोहा, और देखो तो सही एक बारी कैसा है। काए परांठे खाएंगे। ये परांठा बड़ा है ऋषि, एक बड़ा है ना। हेलो ऋषि। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। मुझे बहुत प्यारी सी यहाँ पे जो ये स्टूल है, स्टूल कहेंगे चेयर कहेंगे, चेयर ही है ये। इट्स वेरी नाइस। मुझे ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है, फील आ जाती है। मुझे हिस्ट्री जानना है, ये सब खरीदना है, और लड़कियों को तो शॉपिंग करने का बस मौका चाहिए। तो मैं रुकी थी द रॉयल जैसलमेर में, और इतना अच्छा लगा। इट्स टाइम टू से बाय। और हमारे मगन भैया से आप मिले, मैंने हमें इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी। भैया मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा पर्सनली। थैंक यू सो मच। ऋषि ने अपनी बाइक बिल्कुल रेडी कर दी है, सब कुछ सामान हो गया लोड। धूप बड़ी तेज है। हमारा प्रोग्राम बन रहा था कैंसिल हो रहा था, बन रहा था कैंसिल हो रहा था, लेकिन फाइनली बन गया है। हम लोग जा रहे हैं जयपुर। जब हम जैसलमेर पहुंचे थे तब हो चुका था अंधेरा। जाते हुए अब थोड़ा देखते हैं कि कैसी है लोकेशन जैसलमेर की। ये धूप कितनी है यहाँ पे, हाँ टाइम 3 बजने वाले हैं और हमें जयपुर पहुँचना है। कितना टाइम लग जाता है भैया यहाँ से? 7 से 8 अगर कॉन्टिन्यूस चले तो। 7 से 8 घंटा भैया बता रहे हैं कि पहुंचने में लग जाएगा अगर कंटिन्यूस चले तो। लेकिन हम बाइक में होपिंग कि 12 बजे तक पहुंच जाए रात को। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ राइडिंग मोड पे। फिलौती यहाँ से 30 किलोमीटर है। बहुत देर से गला सूख गया था तो वाटर ब्रेक ले लेती हूँ मैं। पेट्रोल पंप पे पानी आ रहा है, सुकून मिल रहा है इतना। और इस ट्रिप जैसलमेर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी तेज धूप है, लेकिन अच्छा भी लग रहा है। हवा भी चल रही है साथ साथ। धूप लग रही है ना कितनी मुँह पे? लेकिन हवा ठंडी है। हाँ ठंडी है, सही बात। पानी पी के मज़ा आ जाएगा ऋषि, इतना ठंडा पानी है। यहाँ इतनी शांति है कि एक चू चू की आवाज भी समझ आ रही है ना। हम लोग 2:30 बजे ग्राउंड निकले थे जैसलमेर से, और अभी हुआ है 5 बजे आई गेस, और हमने लिया ऑफिशियली हमारा फर्स्ट ब्रेक। यहाँ से नागौर है अराउंड 120 किलोमीटर। मुझे लग रहा है ऐसे अंदर से इंट्यूशन से आ रही है, हम थोड़ा टाइमली पहुँच जाएंगे आज जयपुर। मैं खाऊंगी पनीर परांठा और ऋषि खाएंगे आलू प्याज परांठा। मैंने भैया को बोला खूब सारी उसमें हरी मिर्च डाल दो और यम सा बना दो। बाइक पे इतनी देर से बैठने के बाद ना मेरा सिर हल्का सा यू हो रहा था। ये बहुत नीडेड ब्रेक था। कड़क सी चाय यहाँ पे कितना अच्छा सा लग रहा है ना। कितना अच्छा सा लग रहा है उधर। हरा रंग बहुत दिनों बाद देखा हमने, हरा रंग काफी टाइम बाद देखा हमने। ऋषि अब थोड़े से टायर्ड लग रहे हैं। ठीक है यार, हिम्मत है, मतलब मैं तो कह रही हूँ ऋषि की हिम्मत है यार, जो ऐसे नॉन स्टॉप बाइक, हर चीज का ध्यान रखना, स्पीड ब्रेकर्स एंड ऑल। मैं ड्राइव नहीं कर रही, लेकिन मैं भी फील कर रही हूँ कि मैं अगर ड्राइव कर रही होती तो मेरा हाल कैसा होता। मुझे ना क्लाउड्स के कलर बड़े अच्छे लग रहे हैं, वेरी नेचुरल। चांद नजर आ रहा है ऊपर। परांठे आ गए और इतनी तेज भूख लग रही है, और आप परांठों की शक्ल देखो इस टाइम। भैया इतने अच्छे से लेके आए ऐसे, अब जल्दी से खाएंगे और टेस्ट करते हैं। परांठा इतना यम है, मतलब मैं जैसे चाह रही थी उससे भी बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। स्टफिंग दिखाती हूँ मैं आपको अंदर की। इट्स वेरी टेस्टी। इसको ना ऐसे खाने में बहुत मजा आ रहा है। मैं अपने घर पे जैसे सैंडविच स्टाइल में, हाँ जैसे हम घर पे भी बनाते हैं ना, तो उसी स्टाइल में बनाए कुछ। और सामने मेरे बिल्कुल सनसेट होने वाला है और इतना अच्छा लग रहा है। एक्चुअली राजस्थान में सनसेट और सनराइज और इवन मून राइज भी बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान में खाट बोलते हैं। हाँ राजस्थान में से खाट बोलते हैं, यहाँ लाइन से खाट है। मन कर रहा है बस
लेकिन अभी जयपुर जा रहे हैं, मैं जयपुर के लिए अभी एक्साइटेड हूँ, लेकिन ठंड नहीं है ना अभी तक, नहीं अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। हाँ अभी बैठे हैं तो ठंड नहीं है, लेकिन जैसे बाइक चलेगी ठंड लगेगी। दिस इज चाय शॉट्स, लेकिन चाय भी बहुत टेस्टी है। ऋषि मुझे अपनी वीडियो में हमेशा बदनाम करते हैं। मलिका ने एज यूजुअल पराठा मंगाया है, खाते ये भी हैं लेकिन बदनाम मैं हूँ। भैया तो ना तू उनसे बात कर लिया नहीं। हाँ अब रिएक्शन दो, कहाँ है पराठा, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, पेट में चला गया पराठा का है। ओ जाते जाते हमें एक दोस्त मिल गया, बेचारा बहुत भूखा है दिख रहा है वो। वेरी गुड, ओ माय गॉड, बहुत भूख लग रही है। बाय बाय दोस्त। ऋषि ने दो पैकेट दिए थे डॉगी को और देखो वो सब खा गया, सोचो कितना भूखा होगा यार वो। ओ माय गॉड, खा रहा है और इधर देख रहा है। हाँ वो उम्मीद से कि एक और पैकेट आएगा अभी। फिर बाइक स्टार्ट होगी, फिर मैं बैठूंगी। वो बेचारा पैकेट खाने की भी सोच रहा है अब कि पैकेट मिल जाए। एंड अगेन लव टू सी दिस व्यू, आई विल सी यू गाइस ऑन राइट बोर्ड नाउ। ऐसा क्यों लिखा हुआ, ये नीचे से तो नहीं है कहीं से, लाडनो ऊपर से, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें नीचे से तो नहीं जाना, मुझे लग रहा है ये वाला हाईवे है क्या नीचे, नहीं है। सिग्नल आने में टाइम लगता है। नहीं है नीचे रोड नहीं है। हम लोग पहुंच गए थे अराउंड 12:30 और अब इतना डार्क हो चुका है तो कुछ दिखाने को है नहीं, और मैं वीडियो को होटल में नहीं एंड कर पाई, मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं, मैं इसी के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और शांति में आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलने का, जरूर करने का। सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, बाय बाय।